बेटा आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। भूख लगी थी ना, तो देखो अब मैं आपको खाना खिलाती हूँ। जिम, आपको जब भी भूख लगे ना आप मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? चाची अब नहीं खाना, मेरे पेट भर गया। अच्छा पेट भर गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी लो। गुड, चलो बेटा अब तुम घर जाओ, ठीक है? ठीक है चाची। जा भाई, कैसे है? आज उठना ना आगे? हाँ बस उठ ही गई थी। तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, ऐसे थोड़ा बुखार हो रहा तेरे तो। हाँ लग तो मुझे भी रहा। हाँ तो फिर दवाई ले, मैं डॉक्टर को ले आ रहा हूँ। बुरा ना ना ना, मैं ले लूंगी दवाई, पहले ना आप मेरे एक बात सुनो। हाँ। पता है कल क्या हुआ? हाँ। वो विमला जीजी और जेठ जी ना उस छोटी सी बच्ची रिमजी पे बहुत अत्याचार कर रहे, और कल तो हद ही हो गई। वे उसे ऐसे खाना दे रहे थे जैसे कोई कुत्ते बिल्ली को खाना दे। मेरे से ने ये सब देखा ना जा रहा। तू सारी दुनिया की चिंता क्यों करे? हम सारी दुनिया को ठीक कर देंगे के? हैं? तू अपना रिंकू का ध्यान रख बस। तू पहले भी रिंकू को उंगे थे यहाँ ले आई। तो आप बताओ रिंकू को यहाँ लाके मैंने कौन सा गलत कर दिया? वे लोग उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते थे, उसे खाना ना देते थे, उसे स्कूल ना भेजते थे। कम से कम रिंकू हमारे पास रह के खुश तो है, खाना खाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है। तुम भाभी से कितनी बातों पे लड़ेगी, मुझे नहीं बता दे। देखो जी मैं अपने आँख कान बंद करके तो बैठ नहीं सकती, किसी पे अत्याचार होते ना मेरे पे देखा ना जाता, और फिर समाज में हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। दुगा तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहाँ से सीखी है? वो कहाँ है रिंकू? वो तो स्कूल चला गया। चल ठीक है, मैं भी दुकान पे जा रहा हूँ और डॉक्टर को भेज के जाऊंगा, दवाई ले लिए। ठीक है। अरे रिमजी कहाँ जा रही है? खेत की तरफ जा रही हूँ। अरे हाँ आज तो मैं भी लेट हो गया, भाभी को बुखार है ना, तो आज खाना लेट से बना था। क्या चाची को बुखार है? ए रिमझिम यहाँ क्या बात बना रही है, खेत पे चली जा वरना मम्मी को बता दूंगा। बड़ा ठीक कर लूं बिजली तो यार, आना रे। खैर देख का नहीं पड़ेगी बिजली। एक यूँ रिमझिम है पता ना कहां मर गई, घंटों लगा दे यहां तक पहुंचने में। हैरी कहां रह गई थी तू? काम धाम में ध्यान है थोड़ा बहुत या ना? कहां रह गई थी? मुंह से ही बोल लेकर कुछ। चल वहां जाती रखे खेत में, और कर लिए कभी बैठ जावे, मैं भी आ रहा हूं बिजली देख का, पता ना कहां फाल्ट उल्ट हो गया दिखा है। पता नहीं चाची की तबीयत ठीक हुई होगी क्या नहीं, उनका बुखार उतरा होगा क्या नहीं, कहीं मम्मी की तरह वो भी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। चाची जी, चाची जी। अरे रिमझिम क्या हुआ बेटा? चाची जी आपकी तबीयत कैसी है? बेटा आपको किसने कहा मेरी तबीयत खराब है?
मुझे रिंकू भैया ने बताया था। हाँ चाची जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, लो आप इसको खा लो, फिर आप ठीक हो जाओगे। बेटा इसे खा के मैं ठीक हो जाऊंगी, ये आपसे किसने कहा? जब मेरी माँ बीमार थी तो डॉक्टर ने बोला था कि फल खाने चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरी माँ मर गई। बेटा तू ये मेरे लिए लेके आई है ना, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा तू ये बता, तू ये कहाँ से लाई मेरे लिए? मैं ताई जी के यहाँ से चुरा के लाई हूँ। रिमझिम बेटा, चोरी करना बहुत गलत बात होती है, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं चोरी नहीं करती तो आप भी मेरी माँ की तरह मर जाती। रिमझिम बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, पर आप मेरे से वादा करो आप कभी भी आज के बाद चोरी नहीं करोगी। ठीक है चाची, मैं आपसे वादा करती हूँ अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी। चाची आप रो क्यों रही हो? नहीं बेटा कुछ नहीं। चाची चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अब आप खा लेना। ठीक है बेटा मैं खा लूंगी, जाओ। लो जी आ गई महारानी, कर लो इसकी पूजा। ए भाई इधर आ। कहाँ चली गई थी खेत से तू? कहीं नहीं ताऊ जी। कहीं नहीं? तू हमें पागल मान रही है? बताओ जरा सी लोंडिया कितना दिमाग खराब कर रही है, कुछ समझती ना हमें। पापा मैंने ना इसे चाची के घर देखा था, तुम कहो तो मैं इसे झूठ बोलने का मजा चखाऊं। मार एक्टा खींच के इसके घड़ी भी कर रही है। अब देख लो एक थप्पड़ में ड्रामे कर रही है जैसे जान से मार दिया हो। घड़े खप्पर भर रही है, एक तो बिना बताए खेत से भाग गई, काम करने में जोर पड़ेगा तेरे पे। जोर ऐसा करे जैसे इसकी जान ले रहे हो, सारा काम यही कर रही है, जोर पड़ा इस पे। अजी ऐसे ना मानते, इसे तो रोटी मिल जाए ना सवेरी सांझ, इसे क्या पता कि जिस पैसे की रोटी खावे वो कैसे कमाया जा, इसे रात खाना ना मिलेगा ना फिर इसके अकल ठिकाने आवेगी। ठीक कह रही तू, दो दिन भूखी रहेगी ना दिमाग सही हो जाएगा। ये रिंकू अभी तक सो रहा है, इसे स्कूल की ना कोई चिंता ही नहीं है। रिंकू रिंकू सुबह होगी स्कूल जाना है, उठ जा। भाभी रहने दो ना, अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद आ रही है, जल्दी उठ, मैंने तेरा टिफिन रेडी कर दिया, तेरे बैग में रख दिया है, उठ जा जल्दी, उठ जा, चल 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 रेडी हो, उठ जा उठ जा। रिंकू चाची। अरे रिमझिम आजा बेटा यहाँ पे बैठो। चाची जी भूख लगी है, खाना दे दो। भूख लगी है, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है हम्म
भूख लगी है, चलो कोई नहीं रिमझिम खाएगी। अच्छा है? रिमझिम क्या हुआ? चाची वो मैं आपके पास कल मिलने के लिए। हाँ मिलने के लिए आई थी तो? ताई जी ने मुझे पूरी रात भूखा रखा। भूखा रखा? रिमझिम मेरी बच्ची तो पूरी रात मेरी वजह से भूखी रही। बेटा तू मेरे पास रात ही क्यों नहीं आ गई, मैं तुझे खाना खिलाती। रिमझिम बेटा मुझसे वादा कर, तू आज के बाद कभी भी भूखी नहीं सोएगी। मैं हूं ना तेरे साथ। बेटा मुझे अपनी माँ ही समझ, और तुझे जिस चीज की जरूरत हो ना अपनी माँ से बेझिझक मांग लेना। ना बेटा चुप हो जा। नहीं रिमझिम मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों रो रही है बेटा? नहीं आपको भूख लगी थी ना? चाची क्या मैं तुम्हें सच में माँ बोल सकती हूँ? हाँ बेटा आप मुझे सच में माँ बोल सकते हो। मेरी प्यारी माँ। बेटा चलो अब आप घर जाओ, नहीं तो वो लोग आपको फिर परेशान करेंगे। जाओ अब रोना नहीं। हाँ जाओ। सॉरी अब क्या काट दूंगा संकट, इससे बड़ा गिफ्ट तो तू साले दे ही नहीं सकता। साले सांप की पूंछ पे पांव धर रहा, तेरा फन कुचल दूंगा। फन अब ले लिए धार, जा इससे बड़ा गिफ्ट कैसे देगा। साले चुलबुली मेरी है और मेरी रहेगी, और तू दे ले गिफ्ट। चुलबुली आजा, मुझे गिफ्ट। ऐसे गिफ्ट ना मिलते हैं, ऑर्डर देके बनवाया, पूरा दिन लग लिया है। इतना बड़ा गिफ्ट, आई लव यू बट्टू। आजा, लव यू अब तो मैं रिश्ता पक्का समझू। हाँ बट्टू पक्का नहीं, पक्के वाले से भी पक्का, आई लव यू बट्टू। आजा आजा लाइफ बन गई। आजा ला तो एक पप्पी दे दे। पहले मेरा गिफ्ट लाओ। नहीं तेरे पे गिफ्ट नहीं चलने का, मैं घर छोड़ के आऊंगा वही पप्पी ले लूंगा। आजा डार्लिंग आजा, लव यू आजा, घर छोड़ के आऊंगा वही पप्पी ले लूंगा। आई लव यू, आई लव यू बट्टू। आज तेरी आज मैं बहुत खुश हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भैया भैया नीचे उतर जा, आपको चोट लग जाएगी। नहीं नहीं रिमझिम मुझे कुछ नहीं होएगा। नीचे उतर जा वरना मैं ताई जी को बता दूंगी। अच्छा तो फिर मैं ही बता दूंगा, तो चुपके चुपके चाची के घर जाती है। हाँ बता देना, चाची मेरी माँ है, माँ और उनके रहते मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा देख लेंगे।
माँ ये रिमझिम ना चुपके चुपके चाची के घर जावे और थारी चुगली करे। अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, ए तू जावे उसके घर चुगली करे है मेरी है? नहीं ताई जी मैंने आपकी कोई भी चुगली नहीं की। तो क्यों जावे फिर उसके घर? ताई जी भूख लगी थी इसलिए खाना खाने जाती हूँ। अच्छा अब तू उसके घर खा खा के हमारी बेइज्जती करवा रही है, ना तुझे खाना ना मिलता। और माँ ये ना यूं गेड़ती जब तक चाची है ना मुझे किसी का डर नहीं, और ये गेड़ती कि चाची नहीं वो मेरी माँ है। माँ है आहे, क्या कह रही थी तू? हाँ हाँ चाची मेरी माँ है, माँ उनके रहते हो मुझे किसी का डर नहीं है। भगवान ये छोरी तो घड़ी ढीठ होगी, इसकी तो मैं कुबान छुड़ाऊंगी और आज तुझे के तेरी हिमायत की गुड़ देखूं। चला मैं देखूंगी इसे दुर्गा को, देखूं कैसी माँ है इसकी। दुर्गा ए दुर्गा बाहर ने आका है। जीजी के बात होगी? के ना हुआ यो बूझ। हाँ जीजी बताओ तो सही के बात होगी? तू मुझे नू बता तू इस छोरी को क्यों बिगाड़न लग रही है? पहले इसके मुंह में जुबान भी ना थी और अब यह हमें उल्टा जवाब देन लगी है। नू कहवे है कि दुर्गा चाची मेरी चाची ना है मेरी माँ है और उसके रहते मुझे किसी का डर नहीं। तो अब मैं के मतलब समझू इस बात का? जीजी समझदार को ना इशारा ही काफी हो, फिर तब मेरे पे के कहलवाना चाह रही हो। तो इसका मतलब यो है कि तुझे खाना खवा खवा के अपने कब्जे में लेना चाह रही है? जी जी जब तुम इसे खाना ही ना खवाओगी तो मुझे तो खुआना ही पड़ेगा ना, और यह बेचारी बच्ची छोटी सी बालक तुम इसे भूखा रखो जी जी ये तो पाप है ना जी जी, भगवान ना तुम्हें कभी माफ ना करेगा। ऐसे ही तो ना रिंकू को भका भका के और हमारे खिलाफ भड़का भड़का के अपने धोरे रख लिया था, हमें क्या रखना ना आवे था वो? जी जी रिंकू को भी ना तुम ऐसे ही भूखा रखो थी, दिन रात उस पे काम करवाओ थी, उसे ढंग से रोटी तक ना देती थी तुम। अगर जीजी मैं उसे अपने पास ना बुलाती ना तो तुम उसका एडमिशन स्कूल में भी ना करवाती। कर ली ना तने अपने मन की, पर अब तू इस रिमझिम के बारे में बिल्कुल टांग नहीं अड़ावेगी। हम चाहे इसे खाना देवे चाहे ना देवे, हम चाहे इसे मारे चाहे पिटे, तेरा इस बात से कोई मतलब ना है। मतलब क्यों ना है जीजी, मतलब है, और जो तुम इस बच्ची की गैल व्यवहार कर रही हो ना मुझे सब दिख रहा है। जीजी अगर समाज में सब आग बंद करके बैठ गए ना तो दुनिया में किसी को किसी का डर ना रहेगा। और जीजी थोड़ी तो इंसानियत रखो, जानवर भी एक दूसरे से प्यार करना जाने, फिर हम तुम तो इंसान हैं। मतलब मारे में इंसानियत ही ना है, तेरे में ही भरी पड़ी है सारी अच्छाई। ज्यादा अच्छाई की मूरत बनने की कोशिश मत करे दुर्गा, यो इंसानियत इंसानियत हम सब जाने हैं। अगर तुम में इंसानियत होती ना तो तुम इस छोटी सी बालक से बड़ों जितना काम ना कराती, अपनी बालक की ढाल इसे प्यार करती, इसे स्कूल भेजती। जी जी मैंने आज तक ना तुमसे बड़ी स्वार्थी औरत ना देखी, दूसरे का बालक मिल गया तो उसे गुलाम बना दिया। जी जी कम से कम उसे खाना तो ढंग से दे दिया करो, मेरे पे ना ये अत्याचार ना देखा जाता। ओहो बड़ी देवी बन रही है, मेरे पे अत्याचार ना देखा जाता। मैं तो नू कहूं जो तू मेरे घर में आग लगावे ना तो तेरे कीड़े पड़े कीड़े। जी जी कीड़े मेरे क्यों पड़े, जो गलत काम करे ना कीड़े उसके पड़े। और जी जी मेरे बस की ना है इतना सिर मारना। बताओ जी अब कीड़े भी मारे पड़वावेगी या घनी दयालु बने? हर टाइम हर बात में ही टांग अड़ावे, पता ना क्या आदत है, भाषण हर टाइम भाषण ही देती रहवे। अरे तुझे ज्यादा शौक है ज्यादा दयालु बने तो अपना घर दान कर दे, चल इधर। पता ना क्या समझे अपने आप को घनी धर्मात्मा बने। अरे ये तो छोड़ी छुटके भागी, ए कहां जा रही है? आओगी तो सही उल्टी फिर देखूंगी तुझे। नालायक कर दी एकदम बिगाड़ दी छोरी। आया ना दिखे भीर अभी, पता ना कहाँ रह गया, रोज तो टाइम से आ जा रहा। धीर ओ धीर। अब अभी के पास अब मैं तुझे के बताऊं, तेरी बहू ने तो छोटे बड़े की सारी शर्म खो दी, आज जरा सी बात पे मुझे इतनी उल्टी सुद्धी सुनाई है ना कि मैं तुझे के ही बताऊं। मैं तो उसे अपनी बहन के जैसी मानू थी, मैंने कभी सपने में भी ना सोची थी कि वो मेरे से इतनी बदतमीजी करेगी।
एक मिनट में उसने मेरी सारी इज्जत उतार दी। भाभी तू रोवे तो है मत ना, मुझे तू बात बता के हुई थी। के बताऊ तुझे, जरा सी बात पे मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी है ना उसने, और चुड़ैल और पता ना के कही मुझे, और नू कह रही तेरे कीड़े पड़ेंगे कीड़े। भाभी कोई बात ना, तू चुप हो जा, मैं उससे बात करूंगा। देख उसे मारिए तो है मत ना, ना मैं देखूंगा उसे। अब आवेगा मजा, बड़ी जुबान चला रही थी मेरे से, लगा दी ना। दुर्गा वो आ गए। दुर्गा आ गए आप जल्दी से हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुन मेरी बात, तू भाभी से क्यों लड़ी? तू अपने से बड़े से लड़ी, तुझे शर्म नहीं आई? वह रो रही थी। अच्छा उन्होंने आपको रोके दिखाया और आपने मान लिया? मैं वहाँ लड़ने ना गई थी, वे यहाँ आके मुझे उल्टी सुद्धी कह रही थी। तो तुझे उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था ना? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई जबरदस्ती लड़े तो क्या आप चुपचाप देखते रहेंगे? वे मेरे से इस बात पे लड़ रही थी कि वो छोटी सी बच्ची रिमझिम को मैंने खाना क्यों खिला दिया, वे उसे पूरी पूरी रात भूखा रखे हैं, उसे खाना तक ना देती, अगर मैं भी उसे खाना नहीं खिलाऊंगी तो वो बच्ची तो एक दिन मर जाएगी। तो सारी दुनिया की चिंता का ठेका तन नहीं ले रखा के? देखो जी इतना स्वार्थी होना भी तो ठीक ना है ना, कि इंसान बस अपने बारे में ही सोचे, और फिर किसी भूखे को खाना खिलाना क्या गलत है? तो बस आप ना मुझ पे विश्वास रखो, मैं ना कुछ गलत कह सकती हूँ ना मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। उन्होंने जो मुझसे कहा ना, मैंने बस उस बात का उन्हें जवाब दिया है, बाकी उनका स्वभाव तो आप जानती हो। चल जा तू यार, रोटी ले, मुझे भूख लग रही है जल्दी। ठीक है मैं लाती हूँ। आगी देवी जी, अहे अब क्यों आई है तू यहाँ? जब तो ऐसे भागी थी जैसे तुझे इस घर में उल्टा आना ही ना हो, हाँ? निकलती कहीं की? अब नाटक कर रही है, हैं? अब तस्वीर बाहर ही है, बुला लेना उसे दुर्गा माँ को, बचावे ना के तुझे। बहुत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि बिल्कुल जैसे वह कह रही है वैसे ही कर रही है। सतंदर आया था, पैसे दे गया था? नहीं भाई वो पैसे नहीं दे गया, वो 3 दिन बाद के लिए बोल रहे हैं, उस पर 26,000 रुपए निकल रहे हैं। 26,000? हाँ भाई। हिसाब पूरा पूरा रखे, अगर 30,000 रुपए रखता बताया तो लेता ना उसे 26,000 रुपए। नहीं भाई मैंने नहीं बताया सर, देने इतने पैसे। हाँ तो इन्हें 30,000 कर दे भाई, तो 4,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अरे यार कौन देख रहा है साहब, क्यों इतनी जरूरत पड़ा, हम टाइम पे पैसा दे, ये थोड़ी बात है के? ठीक है भाई मैं इसमें 30,000 रुपए की एंट्री कर देता हूँ, बाकी कोई धंधा चल जा गया, यही तो काम है भाई। कन्हैया के भी निकल रहे हैं, 3100 रुपए 3,000 कर दो क्या उनको? पागल है क्या, राउंड फिगर ऊपर को लगाएगा नीचे को मत लगाएगा, इसे 3500 कर दे। चल 4,000 ना कर दो भाई। चल कर दो। एक बात का ध्यान रखेगा, बिना कुछ गिरवी रखे किसी को 2 रुपए मत दे दिए, क्योंकि आजकल बहुत बेईमान हो रहा है यार।
ठीक है भाई, ईमानदारी नाम की तो चीज ही ना रही। अरे रिमझिम चल आजा खेलेंगे। मैं नहीं खेलूंगी, पहले मैं चॉकलेट खाऊंगी फिर खेलूंगी। ए रिमझिम, ये तेरे पास चॉकलेट कहाँ से आई? मैंने दुकान से खरीदिया। दुकान से? पर तेरे पास तो पैसे नहीं है, इसका मतलब तूने चोरी की? मुझे चाची ने पैसे दिए। नहीं तूने चोरी की है, नहीं तूने चोरी की है। बालक लड़ रहे दिखे हैं, देखूं? मैंने चोरी नहीं की। नहीं तू चोर है। मैं चोर नहीं हूँ। चोर आयो? माँ देखो इसने चोरी की। मैंने चोरी नहीं की। तो फिर पूछो चॉकलेट के पैसे कहाँ से आए? अहे पता कहाँ से आए थे तेरे चॉकलेट के पैसे? चाची ने दिए। ओहो मतलब यार दुर्गा मुझे चैन से जीन ना दे भाई, यही सब बिगाड़ के छोड़ेगी। चलो रहने, लोगों को चैन ना है, मेरे घर में आग लगा कर चैन मिला है। और मैं तो नूक हूँ, जो मेरे बालकों को बिगाड़े ना उसके कीड़े पड़े कीड़े। या छोरी बिगाड़ के जो छोटी नाश कर दिया, एक कहना नहीं सुनती अभिया। कभी क्या कभी कुछ कर रही है, हद करके धर दी भैया, हमारा तो घर बर्बाद कर दिया। पता ना कैसे कैसे लोग हैं, नाश करने पे उतारे हमारे घर का। पता ना क्या बात है, क्या दिक्कत है लोगों को। जीजी क्या बात होगी, अब क्यों गाली दे रही हो हमें, अब क्या कर दिया मन्ने? तू क्यों बकवाद कर रही है? मैंने कि तुझे कुछ कही, तेरा नाम लिया आके मैंने। जीजी नाम ना लिया तुम्हारे घर के आगे क्यों गाली दे रही हो? मेरी तबीयत वैसी खराब है, मेरे पे खड़ा ना हुआ जा रहा, क्यों टेंशन दे रही हो? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, जब तेरा नाम ही ना लिया तो तेरा क्यों आग लग रही है कमीनी? इसका मतलब तू ही बिगाड़ रही है हमारी छोरी को। जीजी गाली मत दो, गाली देनी मुझे भी आ गए। आवे तो देखे दिखा ना, मैंने तू ढीर पे ठीक करवा दी तो मेरा नाम भी बिमलना है। जीजी मेरे बस की ना है तुम्हारे मुंह लगना, मैं तो जब जानू जब अपने बालक को भूखा रख के ना तुम सजा दो, दूसरे के बालक पे तो कोई अत्याचार कर ले। हे राम, मतलब मैं अत्याचार करूं? हम इसे रखना रे, हम इसे खवाना रे, तू ये घनी बड़ी देवी, तू पाल रही है कैसे? हद कर रखी है बिल्कुल ही। कुछ से जी, मैं तो तुम्हारे हाथ जोड़ू, मेरे बस की ना है तुमसे लड़ना। देखो हो गया ड्रामा शुरू, ऐसे दिखावे जैसे आप देवी है। पहले तो ये बिगाड़े हमारे बालकों को और फिर ड्रामे करने शुरू करते हैं जैसे कितनी अच्छी है या सारी दुनिया में सबसे अच्छी यही दिखे ऐसा लगे। ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना का भी शक है और दवाइयाँ लिख देता हूँ मैं जी, और टेस्ट जी लिख देता हूँ, इन्हें खिलाओ फिर उसके बाद देख। ठीक है चल। माँ रिमझिम, माँ आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, घर का काम मैं कर दूंगी। रिमझिम बेटा आप इतने छोटे हो, आप घर का काम क्यों करोगे? मैं तो चाहती हूँ मेरी रिमझिम जल्दी जल्दी स्कूल जाए। कोई नहीं मैं स्कूल चली आऊंगी, पहले आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा अच्छी चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कहीं आप भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी? नहीं बेटा मैं तुझे कभी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। रिमझिम रिमझिम बेटा कहाँ जा रही है? रिमझिम रिमझिम रुक जा, रिमझिम कहाँ चली गई?
बेटा आप कैसे अकेले आए मंदिर में? मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं देवी माँ से प्रार्थना करने आई हूँ। बेटा देवी माँ प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे तुम्हारी। आई ना यार, पर आओगी तो मेरे लिए तो आओगी। सॉरी मट्टू, मैंने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, तेरे तो बाप कभी बाप कभी उसका भी बाप कभी बाप नहीं दे सकता। आओगी तो मेरे लिए आओगी। तुझे क्या पता किसके लिए आ रही है किसके लिए ना आ रही है? आगी मुस्कुरा भी रही है मेरे लिए आ रही है। चुलबुली मैं तुझे ही ढूंढ रहा। अच्छा, मुझे ढूंढ रहे थे तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुझे पता है जब भी मैं तेरे से मिलने आऊँ तो गिफ्ट तो मैं लाऊ ही हूँ, तो अब के मैं तेरे ना आईफोन लाया हूँ। ले आईफोन। आईफोन चले। हाँ, चले, चले। सारे यो तेरी वजह से गई है। वो तेरी वजह से गई है ना? यो तेरी वजह से गई है। साले तेरी ना मेरी करगी मेरे प्यार की ढेरी। गिफ्ट गिरा गिफ्ट ले ले दार। अरे मुझे चक्कर आने लगे हैं। छोटू के पापा को भूख लग रही होगी, पता नहीं रिमझिम कहाँ है, इसे भेजो खाना लेके। रिमझिम, ए रिमझिम, ए कहाँ मर गई तू? ये ले खेत पे खाना ले जा, तेरे ताऊ को भूख लग रही होगी, ले जा। और सूती खेत पे जाइए, कहीं घुमन लगेंगे तेंगे खेलन लगे। जा भैया। कहाँ जा रहे हो? छोटी भाभी की ना तबीयत खराब है, डॉक्टर अंकल को बुलाने जा रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं प्यार करती हूँ, जब भी आप मेरी माँ को ठीक नहीं कर रहे। बेटा इधर आ। बेटा क्या हुआ तुम्हारी माँ को, ठीक नहीं हुई? पंडित जी देखना, मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, जब भी मेरी माँ ठीक नहीं हुई। ये देवी माँ का प्रसाद है, इसे खा के तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पक्का? पक्का बेटा। ये देवी माँ इस बिटिया की माँ को बिल्कुल ठीक कर देना। लो जी, उतार ले इसकी आरती, आगी महारानी। खेतों में खाना लेकर भेजी थी, खाना तो रास्ते में ही फेंक गई, और पता नहीं कहाँ से घूम के आ रही है। है तुझ में थोड़ी बहुत अकल है भी ना? मैं खेत में बैठा हूँ कि रोटी लेकर आवेगी, रोटी लेकर आवेगी, वो भूखा मर गया मैं तेरे इंतजार में। कहाँ मर गई थी तू? खेतों वाले मंदिर गई थी। वहाँ क्या भूखाने गई थी तू? माँ के ना बुखार था, इसलिए ना भगवान से पूजा करने गई थी। ओहो, सुन रहे हो जी? या महारानी उसे माँ कहन लगी है, और अब यह इतनी बड़ी होगी है कि यह उसकी ना पूजा करने उस बियाबान जंगल में गई थी। जो ऐसे कोई ठाकर ले जाता तो हम क्या मुंह दिखाते इसके बाप को? तू एक काम कर भाई, पैनी लेगा, आज सुधारूंगा मैं इसे, आज काटूंगा इसके हाथ गोड़। जिंदगी में गलती ना करे। ना ना या ना, इसे उसके सामने सबक सिखाऊंगी जिसने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। चले चले चल, उसे दिखाऊंगी तेरी करतूत। घड़ी बिगाड़ रखी है ना, सिर पर चढ़ा रखी है। दुर्गा, ए दुर्गा, कहाँ चली गई तू? के बात होगी, अब क्यों गाली दे रही है मुझे? बात के होती, खेत को रोटी लेके भेजी थी, रोटी तो रास्ते में फेंक गई, और तेरी खैरियत के लिए मंदिर में पूजा करने चली गई। मैडम जी, हम यहाँ तंग होते फिर रहे, परेशान हो रहे कि पता ना कहाँ चली गई छोरी।
मुझे पक्का पता है ये तने भेजी होगी। तू तो चाहती ना कि ये मेरे किसी काम की रहे, तू तो नू चाहवे कि ये तेरी जी हजूरी करती रहे पूरे दिन। झूठ मत बोलो जीजी। जीजी पहली बात तो मन्ने से कहीं ना भेजा, और दूसरी बात आप इस पे बड़ो जितना काम कराती हो इसे खाने तक को ना देती, और ये मेरे पास आ जावे तो आपको बुरा लग जा। जीजी अगर तुम इसे ढंग पे रखती, इसे प्यार करती, तो ये मेरे पास क्यों आती? मतलब हम इसे खाना ही ना देते हैं? या ऐसे ही जी रही है? जीजी ये तो दिख ही रहा है ये कितनी स्वस्थ है। आप जरा सोचो, आप इससे इतना काम कराने के बजाय अगर इसे स्कूल भेजती, इसे प्यार करती तो कितना अच्छा होता। जीजी अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी ना तो आप लोग जेल जाओगे। दुर्गा बहुत ज्यादा बोल रही है तू। अगर तू मेरी दुरानी ना होती ना तो इस बात पे पता ना क्या कर देती मैं। हाँ जीजी, अगर आप भी मेरी जिठानी ना होती ना तो मैं अब तक आप लोगों की शिकायत पुलिस में कर चुकी होती। हद कर दी तने, बहुत ज्यादा बोल रही है दुर्गा। इसे तो कुछ कहने से नहीं और उल्टा मेरे से बकवास कर रही है। मैं जुबान ना चला रही जीजी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप एक माँ होके दूसरे के बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार करती हो, उसे मारती पीटती हो, उसे भूखा रखती हो, ये तो अच्छी बात ना है ना जीजी। चल ठीक है, हम तो बुरे हैं, हम तो इसमें काम करवावे हैं, इसमें अत्याचार करें, पर तने वहाँ बियाबान जंगल में पूजा करने क्यों भेजी? जो इसे कोई उठाकर ले जाता तो कौन जिम्मेदार होता? क्यों रिंजन, मैंने तुझे मना किया था ना कहीं भी जाने के लिए, क्यों गई तू? तुझे पता है ना ये लोग पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ जाएंगे। समझ नहीं आता तुझे? हाँ, जब चली जा और मेरे सामने दोबारा मत आना। चल, मैं सुधारूंगी तुझे। तू ना मानना ऐसे, बहुत बिगड़ रही है। तबीयत कैसी है? सुनो, वो रिमझिम पे हो रहे अत्याचार ना मेरे पे अब देखे ना जाते। वो छोटी सी बच्ची स्कूल जाने की उम्र में घर का सारा काम करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मलती है, भारी भारी पानी की बाल्टी उठाती है। वे लोग ना उस पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। क्यों ना हम उसे गोद ले लें, कम से कम उसका बचपन तो सुधर जाएगा। अरे ये भी देख लेंगे, पर पहले तू अपनी तबीयत के बारे में सोच। आप जरा सोचो, अगर हमारी कोई बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो क्या हम देख पाते? ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगी ना या भी बात देख लेंगे। अब रिमझिम को मेरे पास ले आओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिलहाल तू दवाई ले ले और दवाई खा के सो जा। जब तू ठीक हो जाओगी, जैसे तू कहोगी देख लेंगे। तबीयत कैसी है?
सुनो हाँ। जिम को मेरे पास ले आओ। तू तड़की तड़क केरेट लगा ले। कल आप ही ने तो कहा था हम उसे गोद ले लेंगे। अरे यार इतनी जल्दी कैसे हो सके सब? क्यों नहीं हो सकता? देख मैं इतनी जल्दी करूँगा तो भाई भाभी से बहुत लड़ाई हो जाएगी। तो हो जाने दो ना लड़ाई। हम लड़ाई के डर से उस बच्ची की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते ना। अरे यार मुझे दुकान पे लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तू दवाई ले लिए ठीक है ना? ठीक है। रिंकू, रिंकू। हाँ भाभी। रिंकू एक बार देख के रिमझिम कहाँ है। ठीक है भाभी। अरे रिमझिम तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। छोटी भाभी तुझे बुला रही है। रिंकू भैया ये प्रसाद ना माँ को दे देना और इनसे कहना कि इसको खाकर वो पक्का ठीक हो जाएंगी। माँ से कहना मेरी वजह से ताऊजी और ताईजी इनको परेशान अब नहीं करेंगे। रिमझिम कहाँ जा रही है? रुक रिमझिम, रुक रिमझिम, रिमझिम। भाभी। रिंकू रिमझिम कहाँ है? भाभी मुझे ना रिमझिम मिली थी और वो बोली कि ये प्रसाद माँ को दे देना, इसे खाकर ना माँ पक्का ठीक हो जाएंगी। रिमझिम है कहाँ? भाभी जैसे उसने मुझे प्रसाद दिया ना वो भाग गई, मैंने उसे बुलाया भी और रुकी भी नहीं। लेकिन वो गई कहाँ? नहर वाले रास्ते पर। नहर की तरफ? रिमझिम, 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 जिम, भाभी, रिमझिम। अरे दुकान का ध्यान से रखे भाई। कोई किसी को नहीं समझता, इंसानियत नहीं है लोगों में।
कोई किसी की परेशानी नहीं समझता, कोई किसी का दुख नहीं समझता बेटा। चल हम कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं। माँ माँ रखना चाहती है इसे? हाँ ठीक है, तू रख ले, अब इसे तुझसे कोई नहीं छीनेगा कभी। सच? चल मलूक और मलूक की घरवाली इस छोटी छोरी पे घन अत्याचार कर रहे हैं, मारे हैं, पीटे हैं, काम करवा में है, इस गांव में कोई इसकी सुनने वाला भी ना है। सही कह रहे हैं भाई साहब, तो बहुत परेशान कर रहे हैं उसे। ये बड़ी सताम है। राम राम जी प्रधान जी, राम राम, राम राम जी, राम राम। आज तो मेरी रिमझिम स्कूल जाएगी। अरे मलूक, ओ मलूक। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, आ जाओ बैठो, कैसे खड़े हुए? बस बैठे ही हैं। एक बात तो बताओ, के करके मानोगे तुम? पहले तो उस गरीब का मकान हड़पने का कोशिश कर रहे थे, हैं? अब उस छोटी सी बच्ची पे इतने अत्याचार कर रहे, क्या करोगे तुम? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? बिना माँ की बच्ची को घर में आश्रय देना कोई गुनाह है क्या? अरे सारे गांव में थूथू हो रही, तुम उस छोटी सी बिन माँ की बच्ची पे कितना अत्याचार कर रही। एक बात सुनो, मैंने CWC में शिकायत कर दी, उनकी टीम पुलिस को लेके आ रही, तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा, जेल। अरे प्रधान जी क्या कर रहे, शिकायत तो हमसे करते, तुम कहाँ कर आए हो CWC? अरे CWC बाल संरक्षण समिति, छोटे बच्चों पे कोई अत्याचार करे ना, उन पे काम करावे हैं, उन्हें सजा हो 5 साल की। अरे जेल जाना पड़ेगा, जेल, समझ गए? जेल? हाँ, और दोनों को जेल जाना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलने का, बहुत अत्याचार कर लिए। प्रधान जी जेल क्यों? बहू, छोटी बच्ची पे इतने अत्याचार इन्होंने करे कि पूछे मत, CWC की टीम आन लग रही, सारे गांव में इनके नाम पे थूतू होने लग रही है, जेल जाएंगे अब ये, और पुलिस उनके साथ आ रही है। नहीं प्रधान जी, ये लोग ना अब रिमझिम पे कोई अत्याचार नहीं करेंगे, रिमझिम को मैंने गोद ले लिया और अब वो मेरी बेटी है। प्रधान जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ इन लोगों की तरफ से, इन्हें माफ कर दो, लेकिन इन्हें जेल मत भिजवाओ, ना तो हमारे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। बहू, इनके कर्मों की सजा तो इन्हें दिलवानी ही पड़ेगी, इनके अत्याचार कम नहीं हो रहे। नहीं प्रधान जी, इन्हें माफ कर दो। प्रधान जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, और हो सके तो तुम भी माफ कर दो। अरे अगर माफी मांगनी ना तुम दोनों को, तो दुर्गा बहू से जाके माफी मांगो, अपने परिवार की इज्जत के लिए अड़के खड़ी होगी कि तुम्हें जेल ना भेजूं। एक बात तो सोचो, छोटी सी बच्ची है, उस पे अत्याचार कर रहे, उसके माना है, कल को थारे भी तो बालक है, अगर थारे में से कोई किसी का कुछ हो गया तो उनका ना सोचते कभी, हर किसी को सोचना चाहिए, वो हमेशा गैरों के लिए अड़के खड़ी हो जाए, जाओ माफी मांगनी तो उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दे दुर्गा, तू हमारी कितनी परवाह करे और मैं तुझे कितनी गाली दी है, कितना कोसा है। बात नहीं, आपने अपनी गलती मान ली ना, बस सब ठीक हो जाएगा। जी।